नमस्कार मध्यान खबर सहित अपूर्व प्रथमे हेडलाइंस ओडिशा रे पीडीएस सामग्री बंटन रे बड़ घोटाला भूत हिताधिकारी को बंटा जाउची राशन राज्य सरकार गरीबों अन्न हड़प करुवा अभियोग आणला बीजेपी गरीब कल्याण योजनार टंका हेउची हेरफेर केन्द्रापड़ा युवती अश्लील वीडियो वायरल मामला पुरिला कंट केबे हेबो गिरफ्तारी पुलिस कार्यशैली उपरे उठिला प्रश्न लव एक्सपोजर मास्टरमाइंड के उठे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021 आरंभ उद्घाटन कले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहले विश्व रे एजुकेशन हब हेबो भारत शिक्षा रे बाधक हेबो नि भाषा पारलाखेमुंडी एसीएफ सौम्य रंजन मृत्यु मामला गजपति एसपी को भेटिला चारिजणिया क्राइम ब्रांच टीम सौम्य मृत्यु मामला नहीं चली आलोचना अधिक तदंत पर क्राइम ब्रांच को सहयोग करुछि गजपति पुलिस भुवनेश्वर भीमटांगी प्रियंका साहू हत्या खंड घटना हत्याकारी जगन्नाथ प्रधान एम्स रु डिस्चार्ज एयरफिल्ड थाना जेरा करुछि पुलिस जेरा परे कोर्ट चालाण राज्य में पुणी 69 जीवन नेला भाइरस खोर्धार सर्वाधिक 22 मृत्यु 24 घंटे 1927 पॉजिटिव खोर्धार 498 कटक 248 आक्रांत आज सांत सुनावेश अपराह 4 ठाकुर दुर्लभ बेश आरंभ रथ उपर श्रीजू देह लागि 138 प्रकार रत्न खचित स्वर्ण अलंकार दूर से थी दारुद्यों दिव्य दर्शन करे श्रद्धा राज्य में पीडीएस सामग्री बंटन में व्यापक घोटाला भूत हिताधिकारी को बंटा जाउची राशन सामग्री राज्यर गरीब लोकों धोखा दे राज्य सरकार निजर आत्मप्रचार लगिंट सांघातिक अभियोग आनी भारतीय जनता पार्टी दलर राज्य संपादक टंकधर त्रिपाठी एक सांबादिक सम्मेलन में दस्ताविज रखी राज्य सरकार को जवाब मागिंट टंकधर कहते राज्य सरकार गरीबों अन्न हड़प कर राज्य सरकार पाखे भूत हिताधिकारी अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजन पठाऊ अर्थर मध्य व्यापक हेरफेर होता टंकधर त्रिपाठी कहते हैं 83,193 गत मे मसरे मुझे उदाहरण रखापी चाहे गत मे मसरे गरीब कल्याण योजन गत मे मसरे गरीब कल्याण योजन 92,83,193 जन कार्डधारी मध्य राशन नहीं संख्या हूँ जो मैंने फ्री रे मागणारे राशन जोटा केंद्र सरकार संपूर्ण भाव में जोगे दौंटा नहीं संख्या हूँ 87,39,494 अर्थात 5,43,649 जन कार्डधारी जोटा राज्य सरकार सूची प्रस्तुत करती कार्डधारी राशन का राशन नहीं नहांती मागणारे राशन किंतु सही मासरे सही मे ए गत मे 2021 रे जातीय खाद्य सुरक्षा योजना रे जो 92,83,193 जन कार्डधारी कठु टंकाटे लेखाएं दे जोटा खाउटी गोटे टंका दे कि चाउल निए सेटा 88,76,162 जन नहींचंती अर्थात मागणारे लक्षे कम लोक नहीं टाटे दे कि लक्षे अधिक लोक नहीं ठीक सेमती जून मासरे 88,23,034 जन नहीं 4,54,451 जन गरीब कल्याण योजन अन्न नहीं नहांती जातीय खाद्य सुरक्षा योजन 4,04,858 जन 658 जन नहीं नहांती एठी मोर राज्य सरकार को आम पचारूँ जे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होता जो कार्डधारी 5,00,000 जो नौ ना 4,50,000 रु 5,00,000 कार्डधारी से कार्डधारी किए से भूत कार्डधारी किए एवं जो कार्डधारी राशन नौ ना जो बंचुवा बढ़ुवा राशन खाऊ किए गरीब कल्याण योजन गरीब मानू मागणारे राशन जगे दौर बेले राज्य केंद्र सरकार ताकू राज्य सरकार
ठीक भावरे आवंटन करि न परिवार ये होची नग्न नमूना। पुरिला कंट केबे हेबो गिरफ्तार केउठी अछि लव एक्सपोज रो मास्टरमाइंड केन्द्रापड़ा युवती अश्लील वीडियो विदेश रे वायरल घटना पुलिस रो कार्यशैली को ने उठिला प्रश्न। प्रेम जाल रे फसाइबा परे प्रेमिकार वीडियो अभियुक्त वायरल करथिबार अभियोग होइछे। एपरिकि पाकिस्तान बांग्लादेश और तुर्की रे वीडियो वायरल हेबा परे घर को आसीथिला फोन एने अभियोग करिछंती युवती किंतु अभियुक्त विरुद्ध रे एजाए कार्यानुष्ठान नेइनि पुलिस। अभियुक्त घर पश्चिम नदिया जिले में राजमिस्त्री काम करने को आसीला बेले युवती को फसई जोर जबरदस्त विवाह बहुत जिद धरी एपरिक हाथ काटी प्रेम करने को बाध्य युवती जनक भुवनेश्वर चली जाए वीडियो कलिंग अभियुक्त आउ ए वीडियो कलिंग रेकर्डिंग को नहीं युवती को ब्लाकमेलिंग करुक्त। प्रभात लेंका प्रतिनिधि अच्छा सीधास चलु अधिक सूचना पर प्रभात कंट पुरी पुलिस जी समय दे से समय अवधि शेष होपर्यंत अभियुक्त पाखे पुलिस पहुंची पारे पुलिस ताले करुच्ची कौन एवं जो प्रतिश्रुति कौन प्रतारणा देखु अपूर्व जदि कह से पीड़िता आज से एसपी कार्यालय सम्मुखें बर्तमान आसी पहुँचर पर लोक पहुँचे तेज बास्तव क्षेत्र जो एसपी आडिशनाल एसपी जो दुई दिन धरी समय नहीं थे से दुई दिन सरी जाए तेज अभियुक्त मानक गिरफ करें पुलिस विफल रही तेज मुझ कैमेरा पर्सन कह सीधा साल फोकस करें से पीड़िता जो पीड़िता कि बर्तमान सुधा एसपी कार्यालय सम्मुखें अच्छा तेज एसपी कार्यालय परिसर चित्र भी मुझे देखा चाहूँगी सामान प्रसंग रही से दिन जो प्रसंग था आज से प्रसंग कर्मचारी मैंने बर्तमान आलर्ट रही भितर को क्या पुरे दौना जदि कह ये जो चित्र रही निश्चिंत भाव में गोटे निंदन परितापर विषय पलटुच्छी एटी आईन श्रृंखला पूरा विपर्यस्त होती एसपी जाणिकी छुट्टी रोचान जहाँफल कि साधारण जनता एटी न्याय पाऊनी सीधा साल चित्र आप देखुं आज सामान प्रसंग रही सामान कार्यकर्ता रही केवल कर्मचारी मैंने एंट्री करुँचा बाहर तेज अन्य प्रकार साधारण जनता टे पशि पारे तेज ये जो स्थित को नहीं निश्चित भाव केन्द्रापड़ा जिलार साधारण जनता प्रश्न उठाई महिला समाज प्रश्न उठाई अनेक राजनीतिक तेज आम सहित तो सीधा सड़क जोड़ी होती राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अच्छा मध्यवर्ती परिवार संघ तरफ से पीड़िता भेटी प्रदीप मिश्र स्वागत करवा आज्ञा कौन कह स्थित कमी रही देखो स्थिति आज केन्द्रापड़ा जिलार गोटे पीड़िता को न्याय मिलूनी केन्द्रापड़ा जिलार चिरहरण कर प्रशासन विशेषकर ये पुलिस प्रशासन ये अराजकता चलती दीर्घ दिन हम केन्द्रापड़ा भाया गोटे भल जिले में ये पुलिस एत अपारक साजिश एसपी इटी एत लोक विरोधी जनविरोधी नीति से संश्लिष्ट तेणु आम सरकार पाखे जदि गोटे दाबी रोचे ये पीड़िता को यथाशीघ्र सरकार न्याय दिं एसपी को तत्काल ये बदली कराओ स्थान में जो दक्ष पुलिस प्रशासक को ये दायित्व दि जाऊ विशेषकर गोटाए नारी चिरहरण होती केन्द्रापड़ा मटी गोटे झील गोटे कन्या कार भी भौनी किंतु एटी समस्ते चुप ना कौन राजनैतिक दल या विरोध करुँचे ना न्याय कौन महिला संगठन राजरक्षा गोष्ठी या घोर निंदनीय जनविरोधी प्रशासन तेणु सरकार तुरंत आपको संज्ञान में नहीं उक्त पीड़िता को न्याय देवा सहित तत्काल एसपी को तुरंत ये बदली कर शुणुते प्रदीप मिश्र प्रतिक्रिया कि भाव थी तेज कौन कहे से पीड़िता सहित आम जोड़ी हो एडिशनल एसपी आपको प्रतिश्रुति आज से प्रतिश्रुति रखी कि आज्ञा एपर्त तो आम देखा करूँ भितर को आमको छड़ा जाए आम देखा करने आसीचु पुणी आमको एडिशनल एसपी आसी दुई दिन तले आमको प्रतिश्रुति कि दुई दिन मध्य से गिरफ्त करेंगे आम उत्तर एपर्त पाइन कि एपर्त तदंत आमको कौन सी चाइल्ड लाइन हो कि सखी वन स्टॉप सेंटर हो दुई दिन बीती गले आम एपर्त टे तदंत कल करना कि आम को प्रतिश्रुति कि समबेदना देवाई भी कई आसी ना आज्ञा आम आसीचु एपर्त एडिशनल एसपी को देखा करूँ देखा करले तापरे जा उत्तर आम पाइबू आ बर्तमान सुधा कर्मचारी मैंने एंट्री कर दौना कौन कहे आज्ञा से तो कोविड गाइडलाइन माने कि हमको ये करी दौना आम आगुरी भी आठ थर फेरी थिलु से दिन आरगिज न्यूज मीडिया माध्यम रे आम भितर को जाइलु आज आसी द्वारस्थ हो ठिया होचु बाहर कि भितर को छाड़ी ना आप शुणी पार्टी एसपी मत्कर समिति आप छुट्टी अच्छा तेज गणमाम देखिपे टी स्क्रीन में देखिपे ये पीड़िता जनक कि भाव दुख जनाऊँच जदि कह आप घर भी जदि झीटे थाए माँ टे थाए भी थाए तेज ये निष्पेषित निर्यात कि पार जदि साधारण जनता टिकस दरमा नौ साधारण जनता सेवार आसपार ना आपण मानक जे कर्मचारी अच्छा अफिसर मैंने निर्देश दौना भौणी बड़ भौणी जोड़ी होती जदि कह से सदर थाना अधिकारी जी अच्छा बड़ भौणी की दुर्व्यवहार कर फोन मध्यम धमक दौंते जो ऑडियो जो रही एविडेंस रही नष्ट कर देवा तेज कौन कहे भौणी पंद्रह तारीख आम जो दिन फास्ट एफआईआर देखू पड़ोसी विरुद्ध
ସିଏ ସେଦିନ କେସ୍ ପୁଟଅପ୍ କରିନଥିଲେ। ଲେଡ଼ିଜ୍ ପୋଲିସ ଆମକୁ କହିଲେ କି ପୀଡ଼ିତାକୁ ନେଇକି ଆସ, ସିଏ କ'ଣ ଘଟଣା ମୂଳରୁ ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଆମେ ରବିବାର ଛୁଟି ଥିଲା, ସୋମବାର ଦିନ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଗଲୁ। ତାପରେ ସିଏ ଆମକୁ କହିଥିଲେ କି ପ୍ରୋସିଜିଓର ଦେଇକିନା ଆସ, ଆଗେ ଫାଣ୍ଡିକି ଯାଅ, ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଆମ ପାଖକୁ କେସ୍ ନେଇକିନା ଆସିବେ। ଆମେ ଫାଣ୍ଡିକି ଗଲୁ, ସେଠି ଆମକୁ କହିଥିଲେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଲଗେଇକିନା ଆମେ ଗିରଫ କରିବୁ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ। ଆମେ ଆସିଛୁ ବୁଝିବାକୁ, ଧର ହେଲେ କି ନ ହେଲେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଧରିବ, ତେବେ ଯଦି କହିବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଇ ଯୋଉ ଯୁବକ ଜଣକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି, ଯୋଉ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛି, ତେବେ ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ଧରୁନି? ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୋଉ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉ ଖାସ କରି କଣ୍ଟ ଦେବା ପରେ କଣ୍ଟ ପୂରଣ ହୋଇଛି, ସମୟ ଅବଧି ପୂରଣ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିବା, ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଏନେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। तो बीजेपी का वरिष्ठ नेता संबित पात्र प्रेस मीट करुछन्ति, सीधासलख नहीं चलुछु। और अंत में केंद्र कहती है कि चूंकि किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा, किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं है। आप सोचिए जरा, क्या ये डाटा केंद्र ने बनाया? नहीं, राज्यों ने नहीं भेजा। मैं उदाहरण देता हूं, आप देखिए जो दोगले मापदंड हैं अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जी के, मैं पहले छोटे भाई अर्थात अरविंद केजरीवाल से शुरू करता हूं, उसके बाद बड़े भाई राहुल गांधी की ओर जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, आपको याद होगा बहुत दुखद घटना घटी थी दिल्ली में, अप्रैल 23 और 24 के मध्य रात्रि में, बीच में लगभग 21 लोग अपने जान से हाथ धो बैठे थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, दुखद मृत्यु हो गई थी जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली में। और यह बात बिल्कुल पूरी तरह से मीडिया में आया था कि ऑक्सीजन शॉर्टेज हुआ है। और अगले दिन अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर सारी राजनीति की कि ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण 21 लोगों की जान चली गई। बंधुगण, यह पूरा विषय दिल्ली हाईकोर्ट में गया, दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पाली जी के पास गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 27 अप्रैल को एक ऑर्डर पास किया कि इस पर एक कमिटी दिल्ली सरकार बनाए। 28 अप्रैल को आम आदमी पार्टी की सरकार ने 4 लोगों की एक कमिटी बनाई कि जरा पता लगाइए इन 21 लोगों की मृत्यु क्यों हुई है। वो कमिटी की रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सबमिट किया, और उस कमिटी के रिपोर्ट में क्या कहा गया है? It said that of all the 21 patients, they were all getting oxygen therapy or ventilation throughout their hospital stay, including at the time of resuscitation, and there was no mention of oxygen shortage. आप देखिए, वो पूरा रिपोर्ट मैं लेके आया हूं, और इस रिपोर्ट में एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है, ये मैं मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया में भी छपा था ये रिपोर्ट्स, many of the reported patients, मतलब ये 21 patient, had one or multiple comorbidity like heart diseases, diabetes, DM, hypothyroidism and hypertension. All these patients were receiving some form of oxygen therapy and or ventilator support during the hospital stay. और वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि there is a lack of any evidence to suggest that these deaths were because of oxygen shortage. The Aam Aadmi Party government has informed the Delhi High Court that oxygen shortage as the cause of death of 21 COVID patients at Jaipur Golden Hospital here could not be ascertained by an expert committee which probed the matter. Oxygen shortage ke karan nahi hua hai. Over the 7 hours of time period, and almost all of them were already very sick and critical, either from the time of admission or during the course of hospital stay, even prior to the evening of April 23rd. ये जो मरीज थे ये बहुत क्रिटिकल थे, इनको कोमॉर्बिडिटीज थी और इस कारण से इनकी मृत्यु हो गई। ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण इनकी मृत्यु नहीं हुई है, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लिखित में अपनी कमिटी की रिपोर्ट को दिल्ली हाईकोर्ट को सबमिट करती है। अरविंद केजरीवाल जी, कल आप इस पर सवाल पूछ रहे थे, मनीष सिसोदिया जी पूछ रहे थे, आप बताइए क्या आपकी सरकार ने जो केंद्र को आंकड़े दिए हैं उसमें से एक भी मरीज की मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण हुआ है ऐसा लिख के दिया है क्या? टीवी में कुछ और टीवी के बाहर कुछ, ये राजनीति रुकनी चाहिए। अब राहुल गांधी जी की तरफ आइए। देखिए, आज मैं सुबह देख रहा था कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी भी सरकार में है महाराष्ट्र में,
और संजय राउत जी कह रहे थे कि आई एम शॉक्ड, चिंतित तो शॉक्ड होना चाहिए, एक भी आदमी की मृत्यु होती है तो चिंतित होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए, मगर झूठ का सहारा लेके आप अगर राजनीति करें देन वी आर शॉक्ड कि आप ऐसे विषय पर राजनीति करते हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार ने क्या एफिडेविट दिया था वहां के हाईकोर्ट को वो आपके सामने रखता हूं। नो पेशेंट हैड डाइड ड्यू टू ऑक्सीजन शॉर्टेज इन महाराष्ट्र, स्टेट गवर्नमेंट टेल्स बॉम्बे हाईकोर्ट। तो ऑक्सीजन को नहीं जो भाव गत काली केन्द्र सरकार आ राज्य सरकार मैंने मुहांमुही होती खासकर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जो भाई अभियोग आनी केन्द्र सरकार ऑक्सीजन को नहीं तथ्य लुचाऊँ आज प्रेसमिट करुंट बीजेपी वरिष्ठ नेता संबित पात्र और एने उभय केजरीवाल और राहुल गांधी को कड़ा जवाब दि जाऊँगी के भाव दुमुहा नीति अपणाऊँ राज्य सरकार मैंने समय ब्रेक र ब्रेकफास्ट स्वागत। एसटीएफ कब्जा में बाघ शिकारी बौद्ध बनमुंडारु हर रणा को गिरफ्त कला एसटीएफ अभियुक्त निकटर बाघ छाल सहित बंधुक गुड़ जबत कर बाघ छाल कारबार को नहीं डिल चलता बेले माड़ बसला एसटीएफर स्वतंत्र टीम बाघ छाल फोरेन्सिक जांच डेराडून पठा वर्षक मध्य पंद्रह कलरापतरिया बाघ छाल नौ हाथी दांत तीनो जीवंत वज्रकाप्ता जबत कर एसटीएफ। तो एसटीएफ कब्जा रे बाघ शिकारी बौद्ध बनमुंडारु हर रणा को गिरफ्त कर एसटीएफ अभियुक्त निकटर बाघ छाल सहित बंधुक गुड़ जबत कर गत वर्षक मध्य नौ हाथी दांत तीनो जीवंत वज्रकाप्ता और पंद्रह कलरापतरिया बाघ छाल जबत कर एसटीएफ एटी सहित के भाव शिकारी मैंने राज्य में माति ही प्रमाणित करुचे आज जो बाघ छाल जबत कर डेराडून को पठा सेठे फोरेन्सिक जांच कर वर्षक मध्य एसटीएफ सक्रिय होगा सहित तो शिकारी मानक कब्जा को नेर्षक मध्य पंद्रह बाघ छाल जबत कर तार प्रमाण संतोष जेना प्रतिनिधि फोनलाइन अच्छा संतोष जेना प्रतिनिधि अधिक सूचना पर संतोष के भावे शिकारी पाखे पहुंची था एसटीएफ एवं खासकर जितेबाला वर्षक मध्य एत संख्यक बाघ छाल जबत हो पर एसटीएफ अत्यंत सक्रिय अच्छी तो वर्षक मध्य पंद्रह कलरापतरिया बाघ छाल नौ हाथी दांत तीनो जीवंत वज्रकाप्ता जबत कर एसटीएफ आज मध्य जड़े बाघ शिकार को गिरफ्त करने सहित तो जबत बाघ छाल को फोरेन्सिक जांच डेराडून को पठा जिबो। पूर्व शत्रुता को केन्द्र कर अंगनवाड़ी कर्मी घर जाली ग्रामवासी घर जाली लक्षाधिक टंका लुट कर अभियोग अंगनवाड़ी कर्मी दुई बखरा घर जाली ग्रामवासी यह अभियोग आसी वर्तमान बलांगीर जिला लोईसीआ थाना ओइलासारी गाँव रु राधेश्याम हाथी आम लोईसीआ प्रतिनिधि अच्छा अधिक सूचना पर राधेश्याम कारण कौन एभली अमानवीय कांड कर ग्रामवासी आ पक्षर कारण कौन अनुमान कर देखंतु अपूर्व प्रथम आपको सूचना देवी आपण जो कहते लुसिया थाना कहते हैं लुसिया थाना नुहे एटा हूँ बलांगीर जिलार पुंतला थाना अंतर्गत कईलासारी ग्राम से अभावन घटना घटी जेहेतु किसी पूर्व शत्रुता को लक्ष्य कर ग्रामवासी आसी अंगनवाड़ी कर्मी जी अहल्या हाथी अच्छा दु बखरा नुहे तीन बखरा घर को संपूर्ण रूपे जारी छालखार छालखा कर देखो जार दृश्य मुझे देखा चाहे देखो घर आसबावपत्र टी कूलर जहाँ अच्छी ये सब गुड़ाक ग्रामवासी उत्तेजना हो उत्क्षिप्त हो एक अमानुषिक भाव में जाली पड़ी फोपाड़ी देखते आप देखते सीधा सड़क दृश्य देखो कि गोटे जो अंगनवाड़ी माँ घर को आसिक ग्रामवासी संपूर्ण भाव में जाली पोड़ी नष्ट कर देखते मुझे गोटे बही आपको देखिए देखो जहाँकि अंगनवाड़ी जो दस्तावेज अच्छी यहाँ को दुर्वृत्त मैंने मैंने छाड़ी ना यहाँ आणिक फोपाड़ी देखते मो प्रतिक्रिया ने चाहे आम सहित अंगनवाड़ी माँ अच्छा आज्ञा घटना कौन होता कौन है आउ कहीं लोक मैंने आसिक आप घर जाली देते कैसे घर जाली देते पूर्व शत्रुता की हत्या कर कालिका गोटे कालुसा बोली गोटे आज्ञाटे आसी एक्सीडेंट होगा बेले सीना हजबैंड के करे आरो
ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଆସିକରି ଘରକେ ଜାଲି କରି ସବୁ ଖାତା ପତର ଯାହା ଅଛି ଚଉଲ ବାର ବସ୍ତା ଧାନ ଦୁଇଶହ ଅଢ଼େଇଶହ ପାକେ ପଇସା 20,000 ଆଉ ସୁନା ଗହଣା ପାଞ୍ଚ ଭରି ସବୁ ହେନ୍ତା କରି ପୁଡ଼େ ପୁଡ଼ା କରି ଆମକୁ ବି ଆକ୍ରମଣ କରି କରି ଆମକୁ ସବୁ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି କରି କରି ଆମେ ତର୍ସର ବାହାରି ବୁହରା କରିକି ଜୀବନ କଲର ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଆଜ୍ଞା କାଲି ଯୋଉ ଗାଁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ କେନ୍ତା ଥିଲା ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ କେନ୍ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି କରି ଆମେ ପଳେଇ ଗନୁ ଆମର ଘରକେ ଆର ସେନେ ରଖନୁ ସେ ଚାଲୁ ପାଇଥିଲେ 8 ବଜେ ରାତି ଆରୁ ପିଟାମରା କରି କରି ସବୁ ଆମକୁ ଶାଢ଼ୀ ପତର ସବୁ ଚିରି ପାରି କରି ସବୁ ପଟେଇ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଆର ଗୋଟେ ଘରକେ ଆସିକରି ଡେଗି କରି ଆମେ ପଳେଇ ଗନୁ ଯା ଘରକେ ରହିକରି ଆମେ ନୁକି କରି ରହିନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ ଯାହାକି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏଠି ଯୋଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଗ୍ରାମକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅତି ଅମାନସ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କି ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଯୋଉ ଦସ୍ତାବିଜ ଥିଲା ଯୋଉ କାଗଜ ପତ୍ର ଅଛି ସବୁକୁ ଫୋପାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁକୁ ମାନେ ଫିଙ୍ଗା ଫୁଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଦୁଇଟି ଘର ଅଛି ସେ ଦୁଇଟି ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକରି ଜଲାପୋଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ସେ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକରି 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏସ୍ଡିପିଓ ଏବଂ 3ଟି ଆଇଏସି ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏ ଅଇଲାଶ୍ରେଣୀ ଗ୍ରାମରେ ମୃତୟନ ଅଛନ୍ତି। ଅପୂର୍ବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତ୍ୟାମ ପ୍ରତିନିଧି ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଘର ଜାଳି ଯାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ତ ସହିତ ଘର ଜାଳି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଏଭଳି ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇନ୍ତଳା ଥାନା ଅଇଁଲାସାରି ଗାଁରୁ ଏ ଖବର ଆସିବା ପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତପ୍ତର ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଲୋକେ, ପ୍ରତିବାଦରେ 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ, 4,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର 200 ଟିକା ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଆଡ଼େଣୀଗଡ଼ ଛକରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଡ଼େଣୀଗଡ଼ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଆଡ଼େଣୀଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ବାପୁଜୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଟିକାକରଣର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଡ଼େଣୀଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ଲୋକେ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର 200 ଟିକା ଆସିଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। 4,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା 200 ଟିକା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଆଡ଼େଣୀଗଡ଼ ଛକରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଅଟକି ରହିଛି। 4,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 200 ଟିକା ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା 4,000 ଲୋକେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 200 ଟିକା ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଡ଼େଣୀଗଡ଼ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଡ଼େଣୀଗଡ଼ ଛକରେ ଏଭଳି ଭାବେ ଆଡ଼େଣୀଗଡ଼ରେ ଆଜି ଟିକା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଚଳିତଥର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ରୀତିନୀତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଥିବା ଏକ ଫଟୋକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଫଟୋରେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହି 2 ଜଣ ଏହି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋଟି କେମିତି ଉଠାଗଲା ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଫଟୋରେ ଥିବା ଯୁବକ ସେବାୟତ କି ଅଣସେବାୟତ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଚଳିତଥର କର୍ଫ୍ୟୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବହୁ ଲୋକେ କଟକଣା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ଏନେଇ ପ୍ରାୟ 25 ଜଣ କଟକଣା ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଲଜିଂକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ରଥ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନା ହୋଇଥିଲା, କେମିତି ଏହି ଫଟୋ ଉଠାଗଲା ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମୟ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର।